रुक रुक के ना देख रुक रुक के रुक रुक के ना देख रुक रुक के देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। राद्रोह केस में जेल में बंद हार्दिक पटेल आज जमानत पर बाहर आ गए, पर ज्यादा देर तक खुली हवा में सांस लेना हार्दिक पटेल को नसीब नहीं हुआ। जैसे ही हार्दिक जेल से बाहर आए, फौरन ही उन्हें ट्रांसफर वारंट के जरिए मोड़ासा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता भंग के मामले में हार्दिक पटेल को मोड़ासा पुलिस ने हिरासत में लिया है, और इसके बाद हार्दिक पटेल को सिद्धपुर पुलिस भी आचार संहिता भंग के मामले में हिरासत में ले सकती है। राद्रोह केस में जेल में बंद हार्दिक पटेल ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की थी और हार्दिक पटेल की जमानत भी मंजूर हो गई थी, पर जमानत के लिए जरूरी कागजात पहुंच नहीं पाए, जिसके चलते हार्दिक पटेल को एक और रात जेल में बितानी पड़ी थी। 19 तारीख को कोर्ट ने हार्दिक के खिलाफ राद्रोह केस के मामले में गैर जमानती वारंट इश्यू किया था। दरअसल हार्दिक कोर्ट की सुनवाई के दौरान लगातार गैर हाजिर रह रहे थे, जिसके चलते ये वारंट इश्यू किया गया था, और उसी दिन यानी 19 तारीख को हार्दिक पटेल को राद्रोह के केस में विरमगाम के पास से गिरफ्तार किया गया था, और कल इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई भी है। ऐसे में एक केस में जेल से बाहर आने के बाद हार्दिक की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है, और ऐसे में आने वाले समय में हार्दिक की मुश्किलों में और बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि हार्दिक के खिलाफ कुल तकरीबन 42 मामले दर्ज है। इस पूरे मामले को लेकर हार्दिक पटेल की पत्नी किंजल पटेल ने नाराजगी दिखाते हुए हार्दिक पटेल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कल रात को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। किंजल पटेल के इस प्रकार के ट्वीट से गुजरात की सियासत और गरमाई है। रूपानी सरकार के खिलाफ राज्य भर में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, और कल ही पार्टी के विधायक ने इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में हार्दिक की गैर मौजूदगी में हार्दिक की पत्नी किंजल भी खुद मैदान में आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। गौतम जोशी, गुजरात तक।